मुंह कितना रेड और आपको दिख रहा है, आंखें भी इसकी अजीब सी हो गई। ये देखो इसका फेस कितना रेड पड़ा है फीवर से। अक्षु पापा कहाँ है? गन दिखा रहा है। कल शाम को मैं उसके बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना हनी को बुखार आ गया, तो उसके बाद इसको भी फीवर हो गया। इस बेचारे की भी तबीयत खराब है, लेकिन ये थोड़ा डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मेरा ये नेक्स्ट वीडियो अभी शाम से स्टार्ट हो रहा है। अभी एक जस्ट एक ब्लॉग मैंने अपलोड किया है, ये थोड़ा सा उधड़ गया ना इसलिए छुपा रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अच्छा तो और हनी के लिए ना मैं ये चीज़ बॉक्स ले गई थी, तो थोड़ा सा इसको दिया है थोड़ा इसको। हाँ ये गढ़वाली गाने गा रहा, और इसको ना फीवर आ गया फिर से। स्कूल से आने के बाद ठीक था और 4:30 बजे करीब तक ठीक था। मैंने इसको सिर्फ इतना बोला कि हनी सो जा, बस थोड़ा सा सोया ही था, काजल पूरी फैल गई, थोड़ा सोया था उसको फिर से फीवर चल गया। इसका फेस इतना रेड पड़ा है, देखो आप दिखा तो मुँह कितना रेड और आपको दिख रहा है, आँखें भी इसकी अजीब सी हो गई। ये देखो इसका फेस कितना रेड पड़ा है फीवर से। कान देखो इसके, कान से कान भी रेड हो गए भाई, इतना ज़्यादा इसको फीवर आया है। और इसको ना दवाई पिलाए, मेरे को 1/2 घंटा करीब हो चुका है, तो बाल नहीं खींचे बेटा। तो इसको मैंने ना फीवर की दवाई दे रखी है, तब जाके अभी थोड़ा सा, बट अभी भी उसका फेस रेड हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा फेस ऐसा रेड हो रखा था इसका, खतरनाक वाला। क्या बोलूँ यार, बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा। ये देखो अभी दवाई पिलाई तो अभी ठीक है। ठीक है ठीक है। ये देखो इसको गाने लगा के दूंगी अभी मैं अपने फ़ोन पे, और मैं देख रही हूँ थोड़ी सी टीवी, थोड़ी देर में आप लोगों से बात करेंगे। अभी तक इसके पापा आए नहीं, आज तो निकल गए हैं अभी ऑफिस से, तो 1/2 घंटा करीब 6 बजे करीब पहुँच जाएंगे यहाँ पे। ये देखो मैंने ना अक्षत को नहलाया था, मतलब आज है वेनसडे और दिन के टाइम पे जो ब्लॉग मैंने अभी डाला उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अक्षत को नहलाया है। मुझे ना डर हो रही थी कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, बट नहा के नहीं होते यार बीमार, थोड़ा धूप सेक लो। और इनके साथ क्या हो रहा है ना, 1 वीक निकल जा रहा है क्योंकि बीच में स्कूल से आने के बाद ठंडा हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, तो फिर बच्चे जितना नहलाओ नहीं उतने ज़्यादा उनको ना गर्मी बैठ जा रही है और बीमार हो जा रहे हैं। मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ। और इन बच्चों को हम 2-3 दिन इनके अंदर नहलाते हैं, छोटे को तो उतना होता कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि अंदर भी गर्मी नहीं होती है, अंदर भी ठंडा बाहर भी ठंडा हो जाता है, तो नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। बट इनके साथ क्या हो रहा है, अंदर गर्मी बैठ जा रही पेट में, बाहर ठंडा, इस वजह से बीमार हो जा रहे हैं। तो चलो ये फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको दिखाती हूँ मैं गाना, ठीक है। इसकी लाइट खोल दो। अक्षु पापा कहाँ है? गन दिखा रहा है। पापा बोलो। ये देखो लाइट खुली है ना इसलिए कर रहा हूँ। इसको भी जुकाम लग गया, कैसा कर रहे हैं नोजी? गंदा बेबी, गंदा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी मॉर्निंग का टाइम है। हनी को अभी उसके पापा स्कूल भेजने गए हैं, 8:30 के करीब हो रहा है। और यहाँ के बाल देखो मेरे कितने खाली खाली से लग रहे हैं। और अक्षत को देखो, ये देखो फ़ोन पे लगा है। कल शाम को मैं उसके बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना हनी को बुखार आ गया, तो उसके बाद इसको भी फीवर हो गया। इस बेचारे की भी तबीयत खराब है, लेकिन ये थोड़ा करता है झिन, फिर बीच में अपने उस पर सही रहता है। अभी इसको भी दवाई हमने पिला दी, रात भर इसको भी फीवर हो रहे थे। पता नहीं कौन सा वायरल चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बच्चे इतने परेशान हो गए, सारे बच्चे, सबके बच्चे बीमार हो गए हैं। हमारे बगल पे जो रुद्रांश है इसके साथ पढ़ता है, उसको भी फीवर हो गया है। और मेरा हनी का तो ये है कि मैं दवाई उसको लगातार पिला रही हूँ, उसको फीवर आने ही नहीं दे रही हूँ मैं। एक सेकेंड,
गेम खेल रहा है ना गेम, ये देखो ले छी क्या कर रहा है सर। तो उसका फीवर इस पे आ गया है और ये रात भर रो रहा था, इसको ना गर्मी सूट नहीं हो क्योंकि इतना गर्म हो गया था ये। और क्या इसने ना कल अपनी टोपी भी निकाल दी, रात को वैसे करता नहीं है ऐसा क्योंकि आजकल ठंड होने लगी, लेकिन इतनी गर्मी उसने टोपी भी निकाल दी। अभी मैंने उसको जैकेट पहना रखा था, उसने कहा कि जैकेट निकालो, मतलब खुद ही उसकी चैन खोला कि इसको निकालो, तो भी मैंने निकाल दिया है। और इसको भी फीवर हो गया, अभी हमने इसको दवाई पी पिलाई है, देखते हैं कब तक इसका फीवर, कब तक ये ऐसा करता है, समझ नहीं आ रहा यार बच्चों के साथ ही क्या बोले। उसको भी दवाई पिला के स्कूल भेजा है, भले फीवर नहीं था बट फिर भी भेजा है ताकि स्कूल में ना आए फीवर। हाँ मम्मा बोलो क्या है। हाँ मम्मा क्या हो गया, ये देखो नखरे इसके, अक्षर नखरे कैसे करता है, प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो, गुड मॉर्निंग वाला प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो सबको, कर दो शाबाश। नहीं तो चलिए नाश्ता वगैरह की तैयारी करते हैं क्योंकि इसके पापा को भी अभी 9 बजे ऑफिस जाना है जहाँ इनकी ड्यूटी लगी है, और है ना। चलिए बाय अक्षु। तो स्कूल से मैं आ चुकी हूँ हनी को लेके, और सुबह के बाद वैसे हो गया, मैं धूप में थी अक्षत के साथ, अक्षत आज बहुत परेशान कर रहा है, अक्षत की तबीयत ख़राब हो रही है, और सुबह तो दवाई पिलाई थी बट उसके बाद वो झिन 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 कर ही रहा है। और अभी मैं स्कूल से आई तो उससे पहले वो सोया नहीं था, आज मैंने उसको फ़ोन पे यहाँ पे रखा था क्योंकि मैंने कहा नहीं लेके जाती हूँ, फिर मेरे को खुद ही दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने उसको फ़ोन पे रखा था। और अभी जैसे मैं स्कूल से आई वो फिर से रोने लग गया, परेशान सा कर रहा था, और अभी वो सो गया है। और खाना अब बन रहा है हमारा आज, वो वैसे भी मैं कल रात भर सोई नहीं थी तो मैंने सोचा मैं सोऊंगी, बट वो अभी अभी सो गया, तो फिर बाद में पता नहीं सोएगा नहीं सोएगा। तो ये मेरी दाल ना बन गई है, अभी थोड़ी सी बॉयल करी क्योंकि थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ा थिकनेस कर रही हूँ। आज मैंने बनाई है तूर दाल, तूर की दाल, और ये देखो बस थोड़ी देर और ये उबल जाए, थोड़ा सा पानी कम हो जाए, वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। चावल बच चुके हैं तो इसको उबालती हूँ, और हनी अभी ठीक है, पता नहीं थोड़ी देर तक फिर फीवर चढ़ेगा भगवान जाने, बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बस खाना बन जाता है तो उसके बाद हम खाना खाएंगे, अभी तो डेढ़ बज रहा है, तो चलो फटाफट से खाना बन के खिलाते हैं बच्चों को, एक तो सो गया है। मैंने एक स्वेटर मंगाया था आज, नहीं बहुत दिन पहले मैंने मंगा दिया था मीशो से, और बहुत अच्छा स्वेटर आया है, मतलब उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छा है इसका वूल। फ्लैश लाइट ऑफ करो, हाँ इसका डार्क ग्रीन है, इसमें ये लाइट वैसा दिख रहा है लेकिन ये डार्क ग्रीन है, बहुत ही अच्छा सा ग्रीन है, मतलब कैसे दिखाऊँ मैं ये, हाँ ऐसा ग्रीन है इसका, ये दिख अभी तक धूप चमक रही थी ना इसलिए दिख नहीं रहा था, तो ये ऐसा ग्रीन है। और इसमें ऐसा चेन है काफ़ी सुंदर सा, ये देखो नीचे से ये ऐसा है, इलास्टिक है इसके नीचे से और बाजू पे भी इलास्टिक है, तो काफ़ी सुंदर ये है। 400 का ये मुझे पड़ा है, 400 का, और अगर आप ऑनलाइन पे करोगे तो 390 का ये पड़ेगा, और मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था तो मेरे को 406 रुपीज़ का ये पड़ा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप लोगों को लेना है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका जो कोड होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा है।